लॉज एंड प्रैक्टिस, क्या था वो? टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस. अभी क्या हो गया ये? एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस. अब वापस समझना, ये बैच किसके लिए बेनिफिशियल है? ऐसा नहीं है कि खाली ओल्ड ओल्ड के लिए भी एप्लीकेबल है और न्यू. बहुत माइनर दो चैप्टर्स का फर्क है. और दूसरा देखो, अब पहले मैं बता रहा हूं ओल्ड और दूसरा न्यू. पहला क्या बोल रहा हूं मैं, ओल्ड, और दूसरा फंडा क्या है? न्यू. अब देखो ओल्ड और न्यू में क्या फर्क है. आप खुद समझना ओल्ड और न्यू में क्या फर्क है. ओल्ड में IDT DT, न्यू में भी IDT और DT. IDT में उन्होंने दो इसमें डिवाइड किया, GST और कस्टम. और यहां भी उन्होंने दो इसमें डिवाइड किया, GST और कस्टम. ओल्ड में DT कितने मार्क्स का है? 30. न्यू में भी DT कितने का है? 30. लेकिन उन्होंने पूरा फोकस काय पे कर दिया? इंटरनेशनल टैक्सेशन पे. न्यू में उन्होंने पूरा फोकस काय पे कर दिया? इंटरनेशनल टैक्सेशन. ओल्ड में इंटरनेशनल टैक्सेशन भी और नॉर्मल हेड्स में से भी क्वेश्चन आता है, तो वो अपने को यहां भी पूरा पढ़ना है वहां भी. और न्यू में जो सबसे अच्छी चीज कर दी, कस्टम का उन्होंने वेटेज डिक्लेयर कर दिया. कितने मार्क्स का है? 10. मतलब 60 मार्क्स का क्या है? GST. ओल्ड की प्रॉब्लम क्या है? ओल्ड में उन्होंने ये नहीं बताया कि IDT कितने मार्क्स का आएगा और कस्टम कितने मार्क्स का आएगा, बाकी सारी चीजें सेम है. न्यू सिलेबस में सिर्फ एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, न्यू सिलेबस में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है. लेकिन मेरा पर्सनल लेवल पे ये सजेशन है कि वो ओल्ड सिलेबस वालों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है, इंडस्ट्री के ट्रेंड को पूरा क्लियर करता है. क्लियर? तो अपना ये सिलेबस हुआ. अब स्कोरिंग पार्ट कौन सा है? हम सबसे कम टाइम काय में देंगे DT, और मैक्सिमम टाइम काय में देंगे GST और कस्टम. कस्टम कितने मार्क्स का है? 10. ओल्ड में मार्क्स नहीं बताया, नए में क्या बता दिया? मार्क्स. लेकिन सिलेबस उतना ही है. तो आपके पास सॉल्यूशन है कि सर ये पढ़ लेंगे ये नहीं? 10 मार्क के लिए भी आपको उतना ही पढ़ना है. बस एक मेंटल सेटिस्फेक्शन क्या कर दिया उन्होंने नए सिलेबस में, कि उन्होंने बता दिया कि हम कस्टम कितने मार्क्स का पूछेंगे? 10. पर अपन पढ़ेंगे पूरा पूरा ओल्ड न्यू का. 60 to 70 लेक्चर्स जाएंगे ये. कितने? 62 लेक्चर्स, 130 से 145 ड्यूरेशन के. दूसरा, अब आपको ये समझना है किस अटेम्प्ट के लिए है. जून 2019, और यही लेक्चर्स आपको किसके लिए काम में आ जाएंगे? दिसंबर 2019, लेकिन विद अमेंडमेंट. अब कितने अमेंडमेंट आते हैं? तो अमेंडमेंट 5 से 7 लेक्चर्स में वो पूरा कवर हो जाएगा. तो ऐसा नहीं कि अगर अपन ने अभी कंप्लीट किया फिर बाद में कोई मेजर चेंज नहीं आएंगे. लेकिन अगर उसके बाद अटेम्प्ट चेंज होता है 2020 में, तो मेजर चेंजेस आएंगे. अभी अपने को कब तक की फाइनेंस पोजीशन पढ़ना है? एग्जाम से 6 महीने पहले. तो आपका अटेम्प्ट कब पढ़ रहा है? पहला जून. तो जून से 6 महीने पहले, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर 30 तक जितने सर्कुलर, जितने क्लैरिफिकेशंस आएंगे, वो सारे किसके लिए एप्लीकेबल होंगे? जून 2019. और दिसंबर में कहाँ तक के एप्लीकेबल होंगे? 6 महीने पहले. वो अपन बाद में देखेंगे. क्लियर हुआ? तो लेक्चर्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ओल्ड सिलेबस है, न्यू सिलेबस. GST ओल्ड में भी वही है, न्यू में भी वही है. फर्स्ट थिंग ये हो गए. सेकंड, अब देखो मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा. सबसे पहले वॉल्यूम 1 काय से रिलेटेड है? GST. वॉल्यूम 2 ये भी क्या रहेगा? GST. लेकिन ये तीन छोटे छोटे एक्ट कवर करेगा, IGST, UTGST और कंपनसेशन सेस. थर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम 3 क्या रहेगा? कस्टम्स,
और वॉल्यूम 4 में आपको मिलेगा डायरेक्ट टैक्स। और भाई पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, शॉर्टकट अप्रोच में कुछ भी काम में नहीं आएगा, आपको पूरा लाइन बाय लाइन बेयर एक्ट जैसा पढ़ेंगे अपन। आप अगर शॉर्टकट करोगे तो मेरा लॉस नहीं है, अल्टीमेट आपका ही लॉस है। और एक और बुक दूंगा मैं, वॉल्यूम 5, तो इसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चन प्लस केस लॉ, ये सबसे लास्ट में 100-150 पेजेस की बुक रहेगी। सिलेक्टिव स्टडी के लिए नहीं जाना है, हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? CGST से। अब देखो, सबसे पहला इनडायरेक्ट टैक्स मार्क्स 70 वॉल्यूम 1 CGST। टोटल चैप्टर्स देखो कितने हैं, 25। 24 ओल्ड सिलेबस में भी है और न्यू सिलेबस में भी है, और 25th चैप्टर ये सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, न्यू में। तो ये मैं ओल्ड वालों को भी पढ़ाऊंगा, और मेरा भी सजेशन किया पर्सनल लेवल पे कि वो चीज़ पढ़ना है। वॉल्यूम टू में 3 एक्ट पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से, IGST, UTGST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। छोटा सा वॉल्यूम है, 110-120 पेजेस का है, हार्डली 4 से 5 दिन में कवर हो जाता है। थर्ड वॉल्यूम क्या है, कस्टम। न्यू सिलेबस में कितने मार्क्स का है, 10। ओल्ड में कहाँ मान लिखा है, ओल्ड में कुछ भी नहीं लिखा है, ओल्ड में उन्होंने बताया ही नहीं कि कितने मार्क्स का है। वॉल्यूम 4 DT कितने मार्क्स का है, 30। न्यू सिलेबस में इंटरनेशनल टैक्सेशन है पूरा, ओल्ड में कॉम्बिनेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है और अदर भी है। क्लियर? अब मैक्सिमम टाइम अपना कौन से वॉल्यूम में लगेगा, वॉल्यूम 1। कोर टाइम अपने को काय में लगाना है, वॉल्यूम 1। अब मेरा दूसरा आपको सजेशन है, स्टार्ट करने से पहले एक फेयर कॉपी रखना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन फाइनल में बहुत मैटर करता है। हम एग्जीक्यूटिव में MCQ पैटर्न पढ़ के आते हैं, तो हमको प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं रहता है। आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, कोई स्कैनर नहीं देखना, मैं सारा नोट्स में कवर करके दूंगा, बट एक फेयर कॉपी मेंटेन करना, उसमें चार्ट्स रहेंगे और कई छोटी छोटी चीज़ें। क्लियर? चलो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ GST। भाई अंडरलाइन करके पढ़ोगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, टैक्स। वापस समझना, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, टैक्स। अब देखो, ये पढ़ाने से पहले मैं डायरेक्ट आपको पेज नंबर 6 पे आ जाओ, चार्ट। चलो पेज नंबर 6 पे देखो चार्ट, एक स्पेस खाली है फीचर्स के नीचे, ये चार्ट वहां ड्रॉ करना है। अब ध्यान देना, अपन जो वर्ड पढ़ रहे हैं वो क्या है, टैक्स। व्हाट इज टैक्स, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट। दूसरा कौन सा चार्ज है, फाइनेंशियल चार्ज। और तीसरा क्या बोला है, नो कंसिडरेशन, मतलब टैक्स में आप क्या डिमांड नहीं कर सकते, कंसिडरेशन। और फिर क्या बोला है, पैनल है कि नॉन पैनल, नॉन पैनल। व्हाट इज पैनल, लॉ ब्रेक करने के अगेंस्ट जो लगता है, दैट इज कॉल्ड पैनल। तो टैक्स बाय लॉ ब्रेक करने के अगेंस्ट नहीं, गवर्नमेंट जो अपने को सर्विसेज देती है उसके बदले में हम जो पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्स। तो व्हाट इज टैक्स, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। सेकंड क्या बोला है, कौन सा चार्ज है, फाइनेंशियल चार्ज। और थर्ड क्या है, नो कंसिडरेशन। और फोर्थ, नॉन पैनल। क्लियर हुआ, टैक्स काय के ऊपर लगता है, टैक्स काय के ऊपर है, इनकम। दूसरा वर्ड क्या बोला है, प्रॉपर्टी। थर्ड क्या बोला है, एक्टिविटी। अब मैं एक्टिविटी वर्ड को बहुत ज्यादा डिफाइन कर सकता हूं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन। फिर इसके बाद देखो, लेवीड, कौन लेवी करता है, गवर्नमेंट। कौन लेवी करता है, गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेवी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। टैक्स क्यों लेवी किया जाता है, गवर्नमेंट के लिए क्या है ये, रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब कितने टाइप के टैक्सेस हैं, तो इंडिया में बेसिकली कितने टाइप के टैक्सेस लगते हैं, 2। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स और सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आएगा, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। आज की पोजिशन में वेल्थ और गिफ्ट टैक्स की क्या है, एबोलिश, इनको हटा दिया है। और इनडायरेक्ट टैक्स अब नया आ चुका है, क्या है, GST, और दूसरा क्या है, कस्टम,
ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी काय पे है, इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट। कस्टम ड्यूटी काय पे लगता है, एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी क्या हो सकती है, इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट। जीएसटी काय के ऊपर लग रहा है, अभी सिर्फ याद रखो जीएसटी काय के ऊपर लग रहा है, सप्लाई। सप्लाई किस किस चीज का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, और दूसरा काय का हो सकता है, सर्विस। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है, सर टैक्स और फीस में क्या फर्क है, टैक्स में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है क्या, नो कंसिडरेशन, और फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। यहां मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आप मुझे टैक्स पे करोगे कि फी, फी रेलवे रिजर्वेशन टैक्स रिजर्वेशन फी, फी जहां पे कोई सर्विसेज मिल रही हैं और पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फीस। देन व्हाट इज टैक्स, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट लेवीड बाय गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो टैक्स कितने टाइप के हो गए, दो, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स के दो मेन, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। आज की डेट में वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स एबोलिश, सिर्फ क्या चल रहा है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दो मेजर, जीएसटी प्लस कस्टम। जीएसटी काय के ऊपर है, सप्लाई। सप्लाई किस चीज का हो सकता है, गुड्स एज वेल एज सर्विस। कस्टम काय पे लगेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कस्टम काय पे लगेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो भाई टैक्स काय पे लगता है, सर टैक्स काय पे लग सकता है, इनकम, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा एक्टिविटी, चौथा सर्विस। एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन। कुछ दिन बाद ये सारे वर्ड हटके एक नया वर्ड क्या बन गया, सप्लाई। इनडायरेक्ट टैक्स काय पे लगने लगा, सप्लाई। क्लियर हुआ? तो ये मेरा कौन से वर्ड का स्ट्रक्चर दिया है, टैक्स। क्लियर? अब मैं वापस आपको इसकी थ्योरी में लेके जा रहा हूं, फिर आप बाद में इसको चार्ट को नोट करना। भाई बेसिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। टैक्स में भी डिफाइंड एज क्या बोला है, पिक्यूनरी बर्डन लेड अपॉन किसके ऊपर लगता है, इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ओनर। टैक्स किसके ऊपर लगता है, इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ओनर। किस चीज के लिए, टू सपोर्ट गवर्नमेंट, अ पेमेंट एग्जैक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। क्या टैक्स कोई भी लगा सकता है, टैक्स सिर्फ कौन लेवी कर सकता है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट, टैक्स इज नॉट अ वॉलंट्री पेमेंट और डोनेशन बट एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टेड पर्सन टू अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। भाई टैक्स वॉलंट्री पेमेंट नहीं है ना, डोनेशन है। टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट। कौन सा चार्ज है ये, फाइनेंशियल चार्ज, पैनल की नॉन पैनल, नॉन पैनल। और सबसे बड़ा फीचर क्या है, इसमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे, किसको पे करना है, गवर्नमेंट, विच यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, गवर्नमेंट को टैक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, टैक्स गवर्नमेंट के लिए इनकम है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना है पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर में क्या क्या आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेट्रा, इसके लिए गवर्नमेंट को मनी लगता है। वो मनी कहां से आता है, टैक्स। तो गवर्नमेंट कितने तरह के टैक्स लेवी करती है, दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो व्हाट इज टैक्स, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, फाइनेंशियल चार्ज, नॉन पेनल, नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। किसके ऊपर लगता है, इंडिविजुअल के ऊपर भी लग सकता है, प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर भी लग सकता है। किस चीज के लिए, सपोर्ट द गवर्नमेंट। क्लियर? देखो छोटा सा वर्ड है, कितना बड़ा मीनिंग है उसका। अब आगे देखो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कितने टाइप के टैक्सेस हैं, दो, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। वॉट इज डायरेक्ट टैक्स, अ डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज विच इज इम्पोज डायरेक्टली ऑन टैक्स पेयर एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट By persons, क्या बोला है, juristic और natural। अगर मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूं, मुझे juristic बोलोगे कि natural, कंपनी juristic, तो टैक्स कौन पे करता है, natural person को भी पे करना है और juristic। हम कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब मेरी इनकम पे मुझे ही टैक्स पे करना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मैंने टैक्स आपसे कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को दे दिया, आपसे कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स। एक स्टूडेंट ने बैच में एडमिशन लिया, फीस प्लस जीएसटी, फीस मेरी जेब में, जीएसटी गवर्नमेंट के पास, बर्डन मेरे पास आया, क्या किसके ऊपर गया, स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब कंज्यूमर,
इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हमेशा किसके ऊपर जाता है? कंज्यूमर. और डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो पे कर रहा है. अ डायरेक्ट टैक्स इज वन डेट कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर टू समवन एल्स. अ सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स इंपोज्ड इन इंडिया इज. व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर लग रहा है, जो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर लग रहा है, दैट टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स. इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? यहां पे बर्डन आप क्या नहीं कर सकते? शिफ्ट. और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा फीचर क्या है? बर्डन क्या कर सकते हैं? शिफ्ट. अभी बर्डन का कंसेप्ट बताऊंगा. इनडायरेक्ट टैक्स, इफ टैक्स इज लेवीड ऑन, काय पे लगता है? प्राइस. काय की प्राइस पे? गुड्स और सर्विस. देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. अपन मोबाइल परचेज करते हैं ना, तो मोबाइल की प्राइस में क्या क्या इंक्लूड रहता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन प्लस टैक्सेस. तो ये टैक्स पहले इंस्टेंस में कौन पे कर देता है? मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर किससे रिकवर करता है? होलसेलर. होलसेलर किससे रिकवर करता है? रिटेलर. रिटेलर अल्टीमेट किससे रिकवर करता है? कंज्यूमर. इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर? अभी इनडायरेक्ट टैक्स दो इसमें डिवाइड है. पहला जीएसटी और कस्टम. इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, पर्सन पेइंग द टैक्स पासेस ऑन इंसिडेंस टू अनदर पर्सन. डायरेक्ट टैक्स में हम इंसिडेंस को क्या नहीं कर सकते? शिफ्ट. और इनडायरेक्ट टैक्स में हमेशा इंसिडेंस क्या हो जाता है? शिफ्ट. सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेट्रोल. पेट्रोल पे सारे टैक्सेस पहले कौन पे कर देता है? मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर किससे रिकवर करता है? होलसेलर. होलसेलर किससे रिकवर करता है? रिटेलर. और रिटेलर अल्टीमेटली किससे रिकवर करता है? कंज्यूमर. कौन सा टैक्स कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स. मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, फीस प्लस जीएसटी. मैंने पहले जमा कर दिया ना जीएसटी. जैसे आपसे फीस मिली, उस फीस के साथ क्या आएगा? जीएसटी. वो मैं गवर्नमेंट को क्या कर दूंगा? पास ऑन. और फीस तो मेरे पास ही रहेगी ना, तो मैंने बर्डन को क्या कर दिया? शिफ्ट. किसके ऊपर? फाइनल कंज्यूमर. और डायरेक्ट टैक्स में क्या नहीं हो सकता? बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड. और इनडायरेक्ट टैक्स में हमेशा क्या होता है? बर्डन शिफ्ट. शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं, बहुत इजी इसमें लेना. देखो, एक बंदा है मिस्टर एक्स. फॉर एग्जाम्पल, इसका पुणे में फैक्ट्री है. एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, तो उसकी कॉस्ट कितनी आई? 1000. स्पंदन, इस 1000 की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? जल्दी नहीं, अकाउंट्स कॉस्ट मुझे कम आता है, थोड़ा बहुत मालूम है, वो भी आप बता दो चलेगा. मटेरियल, लेबर. एक्सपेंसेस की जगह मैं क्या बोल रहा हूं? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. क्या वो कॉस्ट पे ही बेचेगा? नहीं ना. तो कॉस्ट पे क्या ऐड करेगा वो? प्रॉफिट मार्जिन. फॉर एग्जांपल 1500. अब कितना हो गया? 1500. माल बनाया कितने का? 1000. प्रॉफिट मार्जिन कितना? 500. टोटल कितना हो गया? 1500. क्या ये 1500 में बेचेगा? नहीं. अब ये 1500 के प्रोडक्ट को क्या करेगा? सेल. तो इसमें उसको क्या लगाना पड़ेगा? जीएसटी. क्या लगाना पड़ेगा? अभी मैं सीजीएसटी, एसजीएसटी सब भूल गया, कुछ नहीं मालूम, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं? जीएसटी. फॉर एग्जाम्पल 100. ये क्या हो गया? 1600. ये क्या कहलाएगा भाई? बिल्कुल अभी समझने के लिए, इनवॉइस वैल्यू. फाइनल बिल कितने का बनेगा? 1600. अब इसने, एक्स नाम के बंदे ने, ये प्रोडक्ट किसको बेचा? वाई. एक्स ने किसको सोल्ड किया? वाई. वाई क्या है? कंज्यूमर. वाई एक्स को कितने का पेमेंट करेगा? 1600. कितने का पेमेंट करेगा? 1600. 1000 रुपये किसने खर्च किए? एक्स ने. 500 रुपये तो उसका क्या था? प्रॉफिट मार्जिन. जीएसटी 100 रुपीज पहले खर्च किसने किए? पेड बाय एक्स. एक्स ने ही अमाउंट किससे रिकवर कर लिया? वाई से. क्यों? कौन सा टैक्स है वो?
इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन क्या कर दिया, शिफ्ट। क्लियर हो गया? अब मैंने आपसे बोला कि भाई एक्स क्या क्या निकालो, इनकम। तो मैं क्या बना रहा हूं एक्स का, इनकम स्टेटमेंट। एक्स ने गुड्स कितने में सेल किए, 1600 माइनस कॉस्ट 1000 माइनस क्या है जीएसटी कितना 100, कितना बचा 1600 माइनस 1000 600 माइनस 100 कितना 500। ये क्या है इनकम। इस इनकम पे उसको क्या पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स। और ये डायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, खत्म। ये लॉजिक एग्जीक्यूटिव लेवल पे उतना रिलेवेंट नहीं था, फाइनल में तुमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ? जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, पहले कौन पे करेगा, मैन्युफैक्चरर। किससे रिकवर करेगा, होलसेलर। होलसेलर किससे रिकवर करेगा, रिटेलर। रिटेलर किससे रिकवर करेगा, कंज्यूमर। जब कंज्यूमर से रिकवर करते हैं तो वो टैक्स क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब बताओ ये 500 रुपए पे टैक्स कौन पे करेगा, एक्स। क्या ये एक्स वाई से रिकवर कर सकता है, क्यों, उसकी खुद की इनकम के ऊपर टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, और इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। कोई डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसको मैं जीएसटी को और क्लासिफाई करूंगा, आज फर्स्ट डे तो अपने को सिर्फ मालूम होना चाहिए पहले टैक्स कौन पे करता है। अपन मोबाइल लेते हैं ना, तो मोबाइल की कॉस्ट में क्या क्या रहता है, प्राइस रहती है, कॉस्ट भी रहेगी, प्रॉफिट मार्जिन भी रहेगा, और टैक्सेस अपने को नीचे लिखा आता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हम वो पे करते हैं। शॉप वाला अपने पास क्या क्या रख लेता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है। तो कौन सा टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। शॉप वाले की इनकम पे कौन सा टैक्स पे करेगा, वो डायरेक्ट टैक्स। क्या उसका बर्डन शिफ्ट करेगा, दैट बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। नोट करो, बुक में हेडिंग डालो, जो भी आपकी फेयर कॉपी है उसमें हेडिंग डालो, जीएसटी चैप्टर नंबर 1 केस स्टडी फर्स्ट।
क्लियर हुआ? तो यहां से अपने को क्या समझ में आ गया, अदर देन इनकम जो भी चीज लेवी होती है दैट इज कॉल्ड ड्यूटी, और प्रॉफिट के बाद जो चीज लगता है दैट इज कॉल्ड टैक्स। इनकम के ऊपर जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? टैक्स। अदर देन इनकम जो भी चीज लगेगी दैट इज कॉल्ड ड्यूटी। टैक्स और फी में क्या फर्क है? टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन और फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। कस्टमर के ऊपर की कंज्यूमर, कंज्यूमर अपन वर्ड क्या याद रखेंगे? कंज्यूमर। और कुछ चीज जो इसमें क्लियर नहीं हुई भाई? बेसिक बहुत मैटर करेगा और अपन बेसिक बहुत स्ट्रांग करेंगे। क्लियर? चलो, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फाइनल में नहीं मिलता पर मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स आर द टैक्सेस डायरेक्टली इनकर्ड एंड पेड बाय द पर्सन कंसर्न। मतलब मेरी इनकम है, मैं अपनी ही इनकम पे टैक्स पे करूंगा तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। मेरी इनकम है, मैं अपनी ही इनकम पे टैक्स पे करूंगा तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय वन पर्सन, वो वन पर्सन कौन हो सकता है? असेसी और डीलर। बट सेम इज रिकवर्ड फ्रॉम अनादर पर्सन, और किससे रिकवर किया जाता है? कंज्यूमर, कस्टमर वर्ड की जगह कंज्यूमर। लेवीड ऑन डायरेक्ट टैक्स काय के ऊपर लगता है? इनकम ऑब्लिक वेल्थ ऑफ द असेसी। ये काय पे लगता है? परचेज सेल मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। देखो अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, चलेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस आज की डेट में काय के ऊपर लग रहे हैं? गुड्स सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट टैक्स काय के ऊपर लग रहा है? इनकम और वेल्थ। नो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, हेंस इट इज डायरेक्टली बॉर्न बाय टैक्स पेयर। टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू सब्सिक्वेंट यूजर, मतलब बर्डन कैन बी शिफ्टेड किसके ऊपर? किसके ऊपर? कंज्यूमर। टाइम ऑफ कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड आफ्टर द इनकम ऑफ अ ईयर इज अर्न। मतलब वहां पे काय का कंसेप्ट चलेगा? याद आया कुछ? पीवाई एवाई, प्रीवियस ईयर की में इनकम को हमको क्या करना है? अर्न। और टैक्स कब पे होगा? असेसमेंट ईयर, या असेसमेंट ईयर में असेसमेंट होगा, टैक्स प्रीवियस ईयर में भी पे हो सकता है एडवांस टैक्स के फॉर्म में। और ये कब? एट द टाइम। यहां प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का चक्कर नहीं है। टाइप्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एबोलिश फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम। क्लियर? अब देखो मैंने 6, 7, 8 में कुछ भी नहीं लिखा है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फिर लिखूंगा। कौन सा गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स है अंकिता? डायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स मेजर सोर्स हो जाएगा तो इंडिया अमेरिका बन जाएगा। आज भी क्या है? ये माइनर सोर्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? मेजर। तुम लोग पे करते हो क्या डायरेक्ट टैक्स? घर का मत बताना। नहीं, इधर इनडायरेक्ट, एक आध दिन ऐसा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स पे ही नहीं करते, इम्पॉसिबल है। क्लियर हुआ? सेवन, डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव। क्यों प्रोग्रेसिव? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ता जाता है, 0 to 2 lakh 50,000 तक नील, नेक्स्ट 2 lakh 50,000 5%। और ये क्या है? रिग्रेसिव, सबके ऊपर एक जैसा, जितना मुझे जीएसटी पे करना है। अगर कोई सर्विसेज आप अवेल करते हो तो आपको भी जीएसटी उतना ही पे करना है। क्लियर हो गया? अब 8 में 2 या 3 दिन बाद एक पॉइंट आगे पढ़ाऊंगा, वहां से आप खुद नोट करना है, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्या दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। काय के बारे में बात हो रही है? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलो फर्स्ट पॉइंट देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है गवर्नमेंट के लिए? एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू।
क्यों? क्योंकि ये मेजर सोर्स है गवर्नमेंट के लिए. वर्ल्ड वाइड कंटिन्यू टू ग्रो एज मोर कंट्रीज मूव टू कंजम्पशन ओरिएंटेड टैक्स रिजीम. इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉन्ट्रीब्यूट 50% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये फिगर ऊपर नीचे हो सकता है. अपने को क्या याद रखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे मेन फीचर क्या है पूरे वर्ल्ड में, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. सेकेंड, काय के ऊपर लगता है, कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज. काय के ऊपर लगता है, कॉमोडिटीज एंड सर्विस. तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड. देखो अब सब पढ़े हुए पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं. फोर्थ, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच. अब ध्यान से सुनना, मुझे तकलीफ कब होगी, जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स पे करूंगा कि डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स मेरी पॉकेट की कॉस्ट को एकदम क्या करेगा, कम. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, मैं बर्डन आपके ऊपर क्या करूंगा, शिफ्ट. तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट पिंच, और इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट पिंच नहीं रहेगा. इनडायरेक्ट टैक्स से प्राइस बढ़ेगी कि कम, बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आएगा ही ना, क्योंकि काय पे, कॉस्ट के ऊपर लगता है. इसका टैक्स बेस क्या है, वाइडर. किसके कंपैरिजन में वाइडर है, डायरेक्ट टैक्स. किसके कंपैरिजन में वाइडर है, डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स काय के ऊपर लगता है, इनकम. और इनडायरेक्ट टैक्स काय के ऊपर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज. क्या प्रमोट करता है, सोशल वेलफेयर. अगर अपन देखेंगे कि भाई टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती क्यों है, सोशल वेलफेयर के लिए. गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा. क्यों? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा रहेगी स्पेंड करने के लिए. गवर्नमेंट को रेवेन्यू काय के लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, कैपिटल फॉर्मेशन, और एक मैंने मेजर वर्ड क्या यूज़ कर दिया, एक्सेट्रा. कुछ भी खर्चा करना है पब्लिक वेलफेयर के लिए तो उसका पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस. कितने टाइप के टैक्सेस, दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्सेस आर सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स आर डैश इन नेचर. क्या है ये, रिग्रेसिव. और डायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ता जाएगा. ये अपने इनडायरेक्ट टैक्स के क्या हो गए, फीचर्स. क्लियर. अब वापस अपन आते हैं चार्ट पे. अब ये चार्ट वो पूरी थ्योरी को एक जगह ला देता है. व्हाट इज टैक्स, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, फाइनेंशियल चार्ज, नो कंसिडरेशन और नॉन पैनल. चार पॉइंट याद रखना है. टैक्स काय के ऊपर लगता है, इनकम, प्रॉपर्टी, एक्टिविटी, सर्विस. कौन लेवी करता है, लेवी मतलब लगाना, कौन लगा सकता है, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी. वाई वी पे टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू. क्यों रेवेन्यू चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सेट्रा. टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, कितने टाइप के टैक्स हैं, दो. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में तीन, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स. वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स एबोलिश. इनडायरेक्ट टैक्स दो इसमें डिवाइड है, जीएसटी और कस्टम. कस्टम काय के ऊपर है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. जीएसटी काय के ऊपर है, सप्लाई. किस चीज का सप्लाई, गुड्स और सर्विस. क्लियर हुआ. अब टैक्स और फीस का डिफरेंस, कंसिडरेशन. टैक्स और ड्यूटी, इनकम पे जो लगेगा टैक्स, अदर देन इनकम ड्यूटी. नोट करो.
क्लियर हुआ? आप बिल्कुल इस चीज़ पे मत ध्यान दो, मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जितना आप थ्योरी पढ़ोगे उतना प्रैक्टिकल स्ट्रांग होगा, और जितने प्रैक्टिकल बनाओगे उतना थ्योरी स्ट्रांग होगा। तो कैलकुलेशन ही नहीं करना है। टैक्स कैसा सब्जेक्ट है? अगर तुम बोल रहे हो सर थ्योरी नहीं पढ़ी हो, प्रैक्टिकल सॉल्व करना है, हो सकता है क्या? बस थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल बनाओ, बाकी कैलकुलेशन मत करो, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर देता है। हो गया, चलो अब नेक्स्ट देखो। आराम से समझना, जल्दी मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स। नया स्ट्रक्चर है कि ओल्ड स्ट्रक्चर है? ओल्ड। कहां पे नोट करना है? देखो पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट नंबर 2, इवोल्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, ओल्ड और न्यू। तुमको कई सारी चीजें क्लियर होंगी। हाँ, पुराने वाले इनडायरेक्ट टैक्स में देखो, इनडायरेक्ट टैक्स काय पे लगता था? गुड्स और सर्विस। काय पे लगता था? गुड्स एज वेल एज सर्विस। गुड्स में पहली स्टेज क्या थी? सेल्स। गुड्स को आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। सेल्स कितने तरह से हो सकता था? दो। पहला विद इन स्टेट और दूसरा इंटर स्टेट। व्हाट इज विद इन स्टेट? महाराष्ट्र के बंदे ने महाराष्ट्र में ही सेल किया तो क्या कहलाएगा? विद इन स्टेट। तो उसको क्या पे करना पड़ता था? क्या पे करना पड़ता था? वैट। और इंटर स्टेट सेल करते थे तो उस पर क्या लगता था? CST। क्लियर हो गया? मैं नया स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं कि पुराना स्ट्रक्चर? पुराने स्ट्रक्चर में इनडायरेक्ट टैक्स कैसे डिवाइड था? दो, गुड्स एज वेल एज सर्विस। तो गुड्स में सबसे पहली स्टेज क्या बोल रहा हूं मैं? सेल्स। तो सेल्स कितने टाइप से? दो, विद इन स्टेट और इंटर स्टेट। विद इन स्टेट पर क्या लगेगा? वैट। इंटर स्टेट पर क्या लगता था? CST। फिर बात काहे की आ रही है? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी काय के ऊपर था? मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। अब सब हट गया। इसके बाद क्या था? कस्टम। कस्टम काय के ऊपर था? इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट। और सर्विसेज के ऊपर लगने वाला? सर्विस टैक्स। इसके अलावा भी क्या लगता था? एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय। आगे आपको बता दूंगा एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय में क्या फर्क है। दूसरा लग्जरी टैक्स काय के ऊपर? होटल्स। और इसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स काय के ऊपर? थिएटर। हो रही है। ये सारे टैक्सेस कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट। अब चक्कर देखो क्यों GST आया। ये जो लिखा हुआ है ना, जो मैंने जैसा बनाया उनको वैसे ही समझना। अब भाई सबसे पहले आप देखो, हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? वैट। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। कौन लेवी करता था? स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन करता था? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? तो वैट का पैसा पूरा किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट। अब वैट लगता कब है? विद इन स्टेट की इंटर स्टेट? पुणे से मुंबई विद इन स्टेट। तो टैक्स किसके पास जाएगा?
महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। अब दूसरी बात क्या आ गई, सीएसटी। सीएसटी काय पे लगता था, इंटर स्टेट सेल। व्हाट इज इंटर स्टेट सेल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। लेवी कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। नाम ही उसका क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। लेकिन कलेक्ट कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेल्स का पूरा टैक्स किसको मिलता था, स्टेट गवर्नमेंट को। उनको समझना ये चीज मेन जीएसटी के लिए। मतलब पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में फंडा क्या था, कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में अगर सेल हो रहा है, वेदर इंटर स्टेट और विद इन स्टेट, तो उसका टैक्स का कलेक्शन किसके पास जाता था, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। अब दूसरा देखो क्या आया, सेकंड समझना क्या आया, एक्साइज ड्यूटी। काय पे थी एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। लेवी कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट। पैसा भी किसके पास जा रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट पूरे इंडिया में कहीं पे भी मैन्युफैक्चर हो रहा है तो पैसा किसको मिलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेल हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट। समझना, सेल हो रहा है तो पैसा किसको मिल रहा था, स्टेट। मैन्युफैक्चर हो रहा है तो सेंट्रल। मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट को कुछ भी रेवेन्यू नहीं थी। लेकिन अगर आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो लेवी कौन कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे क्या लगता था, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इसका पैसा किसके पास जा रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। हो गया रहा तीन, सेल्स पे टैक्स स्टेट, मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल, अल्कोहल पे स्टेट। मेरी फैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, टैक्स किसके पास जाता था, सेंट्रल। अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। फिर क्या आया, कस्टम। काय पे था कस्टम, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेवी भी किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट भी किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट। काय पे लगता था, इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट। पैसा किसके पास, सेंट्रल। इसके बाद सर्विस, लेवी किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट। काय पे लगता था, सर्विसेज। पूरा पैसा किसके पास, सेंट्रल। तो भाई रेवेन्यू किस किस को मिल रही थी, सेंट्रल को भी मिल रही थी और स्टेट को भी मिल रही थी। सेंट्रल को ज्यादा फायदा काय में था, सेल्स की, स्टेट को था। स्टेट को ज्यादा फायदा काय में था, सेल्स। मैन्युफैक्चर में सेंट्रल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंट्रल, सर्विस सेंट्रल, लेकिन वाइन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। क्लियर। इसके बाद स्टेट को और कहां से टैक्स लगाती थी, कोई भी प्रोडक्ट स्टेट में आ रहा है तो उसको एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय देना है। क्या देना है, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय। फिर होटल्स के ऊपर क्या लग गया, लग्जरी टैक्स। थिएटर्स मूवी के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स। तो मतलब एक मेजर पार्ट किसको मिल रहा था, सेंट्रल को मिलता था, और एक मेजर पार्ट स्टेट को मिलता था। लेकिन इस सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, सिंगल टैक्स की मल्टीपल टैक्स, मल्टीपल टैक्स। तो इससे प्राइस क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, और इंडिया का प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में चीपर होता था कि कॉस्टलियर। क्यों कॉस्टलियर हो जाता था, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे थे, सिंगल टैक्सेशन की मल्टीपल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेशन। ये बेनिफिट था कि ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक। सेल्स पे टैक्स किसको मिलता था, स्टेट। मैन्युफैक्चर, वाइन मैन्युफैक्चर स्टेट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस, एंट्री टैक्स स्टेट, लग्जरी टैक्स ऑक्ट्रॉय स्टेट। क्लियर हुआ। तो ये हमारा नया टैक्स स्ट्रक्चर था कि ओल्ड, ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर। नोट करो, उतनी ही जगह में नोट करना है प्रॉपर वे में।
बहुत अच्छे समझना, टेक्निकल चीज तो नहीं बोलूंगा, पर ये ऐसा है कि जो मालूम होना चाहिए, इससे आगे सब्जेक्ट बहुत इजी होगा। कोई डाउट? तो भाई सेल्स के ऊपर टैक्स कलेक्शन किसके पास जाता था? स्टेट। मैन्युफैक्चरिंग, अल्कोहलिक लिक्वर, स्टेट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेंट्रल। सर्विसेज, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी। हाँ भाई, क्लियर हुआ? हाँ लॉजिक क्लियर हुआ? ये मान के चलना अपन एक्ट पढ़ना जीएसटी का, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड क्लास से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड अपना पूरा कायम में जाएगा बेसिक, और एक दिन अपन वापस क्या करेंगे, पुराना पूरा रिवाइज। उसके बाद सेक्शन वन से स्टार्ट करेंगे तो सीक्वेंस चलेगा। डन। चलो अब देखो क्या दिया है। सबसे पहले टैक्स की बात कर रहे हैं, फिर हमें यह मालूम होना चाहिए पहले कौन से लॉस थे, टैक्सेबल इवेंट क्या था, टैक्स कौन कलेक्ट करता था, और किस एंट्री नंबर। तो एंट्री नंबर के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले कस्टम ड्यूटी, तो कौन सा एक्ट देखते थे अपन? कस्टम्स एक्ट 1962। टैक्सेबल इवेंट क्या था? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। टैक्स कलेक्ट कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 83। एंट्री वेंट्री क्या होती है सब कल पहुंचेंगे अपन। हाँ, सेकेंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कौन सा एक्ट लगता था? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। काय पे था टैक्सेबल इवेंट? मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 84 सेंट्रल सेल्स टैक्स CST 1956। काय पे लगता था? इंटर स्टेट सेल। कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 92A सर्विस टैक्स। फाइनेंस एक्ट 1994 काय पे? टैक्सेबल सर्विस। कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 97। ये सारे कौन सी लिस्ट से आते थे? लिस्ट वन, मतलब पावर किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट। तीन लिस्ट होती हैं, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। लिस्ट वन सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, लिस्ट थ्री कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, मतलब पावर दोनों के पास रहता है। वैट स्टेट वैट, सेल विद इन स्टेट किसके पास पावर? कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट। 54 लिस्ट नंबर 2, 54 लिस्ट नंबर 2। क्लियर हो गया? अब हम काय की बात करेंगे? न्यू स्ट्रक्चर। अब हम काय की बात करेंगे? न्यू स्ट्रक्चर।
अब जब न्यू स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले बात काहे की आ रही है, इनडायरेक्ट टैक्स। नए स्ट्रक्चर में इनडायरेक्ट टैक्स कितने इसमें डिवाइड हो गया? फर्स्ट वन इज जीएसटी और सेकेंड वन कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी काय पे है? इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट। क्लियर हो गया? ये है ना। अब मुझे क्या समझना है, जीएसटी काय पे है? तो जीएसटी काय पे है? सप्लाई। अब अगर आप अभी ये सोचोगे कि सर व्हाट इज सप्लाई, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तीन क्लास में अपन सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सप्लाई। अभी सिर्फ क्या ध्यान देना है, जीएसटी काय पे लगता है? सप्लाई। सप्लाई किस चीज का हो सकता है? गुड्स, सर्विसेज और बोथ। सप्लाई काय काय का हो सकता है? गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है और बोथ। क्लियर? अब सबसे पहला सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई। सबसे पहला सप्लाई क्या हो गया? इंट्रा स्टेट। और दूसरा सप्लाई क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर हुआ? सबसे पहला क्या रहेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और दूसरा क्या रहेगा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर? अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है दो एक्ट लगेंगे, क्या क्या? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। व्हाट इज सीजीएसटी? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अगर कौन सा सप्लाई है? इंटर स्टेट सप्लाई। वापस समझना, कौन सा सप्लाई है? इंटर स्टेट सप्लाई। तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। व्हाट इज आईजीएसटी? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? पहला क्या हो गया? इंटर स्टेट। और दूसरा क्या हो गया? इंट्रा स्टेट। अब एक और चीज याद रखना है, एक और केस क्या हो सकता है? विद इन यूटी, विद इन यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी दो इसमें डिवाइड है, ध्यान देना, विद स्टेट लेजिस्लेचर, जहां पे यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन साथ में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। और दूसरा विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। तो इंडिया में शायद सात यूनियन टेरिटरी हैं, सात में से दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी, वहां पे क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर है। तो वहां पे अपन क्या लगाएंगे? क्लियर? लेकिन ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पे क्या नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, जहां पे क्या नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां क्या लगेगा? सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में क्या लगेगा? यूटी जीएसटी। क्लियर हुआ? यह मेरा नया इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट, ये वहीं पे साइड में नोट कर लेना। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? पहला क्या लिखा है? लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस लोकेशन ऑफ रिसीवर नहीं देखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या चेक करना है? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। ये आगे डिटेल में, अभी जस्ट मैं आपको इंट्रो बता रहा हूं। क्या चेक करना है?
लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या लिखा है? विद इन स्टेट ऑब्लिक विद इन यूनियन टेरिटरी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंट्रा स्टेट। क्या बोलेंगे हम? इंट्रा स्टेट। तो क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी विद इन यूनियन टेरिटरी, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। क्लियर हुआ? अब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोला मैंने? विद इन स्टेट। अब क्या बोल रहा हूं? डिफरेंट स्टेट ऑब्लिक डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इंटर स्टेट। क्या लगेगा? आईजीएसटी। बस तुमको क्या देखना है, कौन सा टैक्स लगेगा, तो पहले दिमाग में क्या क्लेम कर, सॉरी क्या क्लियर रखना है कि क्या क्या देखना है मुझे? तो दो चीजें देखना है, पहला लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन स्टेट। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन स्टेट, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी विद इन यूनियन टेरिटरी, विद इन यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा यूनियन टेरिटरी आईजीएसटी, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक स्टेट से दूसरा यूनियन टेरिटरी आईजीएसटी, सेम यूनियन टेरिटरी सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। क्लियर हो गया? ये मेरा पुराना स्ट्रक्चर है कि नया स्ट्रक्चर है? ये नया स्ट्रक्चर है। क्लियर? अभी रुकना, कौन सा टैक्स है ये? डेस्टिनेशन बेस्ड। मतलब टैक्स किसको मिलेगा? वापस सुनना, पुणे से दिल्ली गुड सेल हुए, क्या लगेगा? सप्लायर और कौन होता है? रिसीवर। सप्लायर कहां पर है? पुणे। और रिसीवर फॉर एग्जांपल कहां पर है? दिल्ली। विद इन स्टेट है कि इंटर स्टेट? ध्यान देना, विद इन स्टेट है कि इंटर स्टेट? पक्का इंटर स्टेट। विद इन स्टेट है कि इंटर स्टेट? इंटर स्टेट। क्या लगेगा? आईजीएसटी। कौन कलेक्ट करेगा आईजीएसटी? आराम से, कलेक्ट कौन करेगा? बिल कौन बनाएगा? चलो आराम से, जल्दी नहीं। सप्लायर बिल बनाता है कि रिसीवर? फीस की रिसिप्ट मैं दूंगा ना, मैं सप्लायर हूं। बिल कौन बनाएगा? सप्लायर। जीएसटी चार्ज कौन करेगा? सप्लायर। लेकिन मिलेगा किसको? सप्लायर को मिलेगा। फाइनल किस स्टेट में जाएगा? डेस्टिनेशन कहां है? दिल्ली। जीएसटी कौन सा टैक्स है? कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड। तो यहां पे जो जीएसटी है वो किस गवर्नमेंट को मिलेगा? दिल्ली को। मतलब जहां पे गुड्स क्या होंगे? डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड। अब मालूम है सेल टैक्स क्या था? ओरिजिन बेस्ड। अगर यही केस सेल टैक्स का रहता तो टैक्स किसको मिलता? महाराष्ट्र। ये कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड। तो टैक्स किसको मिलेगा? मैंने फ्लिपकार्ट से माल बुलाया, फ्लिपकार्ट से बेंगलोर से मैंने मोबाइल परचेज किया, पुणे मोबाइल आ गया, आईजीएसटी लगा होगा बेंगलोर से, अब टैक्स किस गवर्नमेंट को मिलेगा? महाराष्ट्र। क्यों? डेस्टिनेशन बेस्ड, जहां पे गुड्स फाइनली या सर्विसेज फाइनली क्या होंगी? कंज्यूम। तो भाई सेल टैक्स क्या था? ओरिजिन बेस्ड। कहां से माल बिका था सेल टैक्स में? मान लो बेंगलोर। तो क्या लगा होगा? वैट की सीएसटी।
टैक्स कलेक्ट भी कहां होता था? बैंगलोर। आज भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, लेकिन मिल किसको रहा है? महाराष्ट्र। सीएसटी में किसको मिल रहा था? कर्नाटका। क्यों? ओरिजिन बेस्ड। तो टैक्सेशन स्ट्रक्चर कितने इसमें बेस हो गया? दो, ओरिजिन बेस्ड और दूसरा कंजम्पशन या डेस्टिनेशन। तो जीएसटी कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्लियर? करो कॉपी, जितना स्पेस है वहीं पे आना चाहिए पूरा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मॉडर्न स्ट्रक्चर या नया स्ट्रक्चर मुझे क्या बता रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स। दो इसमें डिवाइड हो गया, पहला क्या हो गया? जीएसटी, और दूसरा क्या हो गया? कस्टम। जीएसटी काहे पे लगता है? सप्लाई। सप्लाई किस किस चीज का हो सकता है? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसके बाद कस्टम काहे पे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सप्लाई दो इसमें डिवाइड है, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्या लगाएंगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी। विद इन यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी। कितने इसमें डिवाइड हो जाएंगी? दो। फर्स्ट वन विथ स्टेट लेजिस्लेचर, सेकंड विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। अगर विथ स्टेट लेजिस्लेचर है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट, इसके लिए दो फैक्टर्स क्या क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन स्टेट ऑब्लिक विद इन यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी ऑब्लिक एसजीएसटी या सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। और डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्लियर? जीएसटी कौन सा टैक्स है? कंजम्पशन बेस्ड की डेस्टिनेशन बेस्ड? कंजम्पशन, सॉरी ओरिजिन बेस्ड की डेस्टिनेशन बेस्ड। जहां पे गुड्स और सर्विस कंज्यूम होंगे उस स्टेट को टैक्स का पैसा मिलेगा, जबकि उल्टा वैट कौन सा था? ओरिजिन। सीएसटी क्या था? ओरिजिन। क्लियर? कोई डाउट? भाई बहुत डिटेल में जाऊंगा मैं आपको कट शॉर्ट नहीं करूंगा कुछ भी, बस ऐसे ही चलेगा लाइन बाय लाइन। आराम से 60-70 क्लास में अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हर चैप्टर पढ़ेंगे, इवन सेटलमेंट कमीशन, एडवांस रूलिंग, कुछ भी नहीं छोड़ना है क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है। ब्लेम गेम नहीं करना है कि सर आपने नहीं पढ़ाया था, मैं बोलूंगा अरे आपने क्यों नहीं पढ़ा, नोट्स में तो दिया था। डन? क्या 60-70 डेज, सब्जेक्ट टू आप कैसा रिवीजन करके आते? पुराना याद नहीं आया तो वापस पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि भाई फाइनल में। क्लियर? कोई डाउट? इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट के चक्कर को समझने के लिए दो मेन चीजें जो मालूम होना चाहिए, क्या है वो?
लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, नहीं क्या बोला है, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लियर। चलो अब जीएसटी कौन सा टैक्स है, नीचे देखो, इनडायरेक्ट टैक्स, किस नेचर का है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, काय के ऊपर, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब इसका उल्टा, वैट और सीएसटी क्या थे, ओरिजिन बेस्ड, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड, इट इज अ लेवी डेट ऑल स्टेज, कहां से, मैन्युफैक्चर अप टू फाइनल कंजम्पशन, क्या मिलेगा अपने को, क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेज अवेलेबल एज सेट ऑफ। जीएसटी में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, अगर आपने पहले कोई टैक्स पे करके रखा है, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो उसका आप क्या क्लेम कर सकते हो, क्रेडिट। कैसे क्लेम करते हो कल देखेंगे। इन अ नटशेल, सारी चीजों पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स सिर्फ काय के ऊपर लगता है, वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, क्लियर। अब जीएसटी के कुछ फीचर्स दिए, बहुत शॉर्ट में कर दिए मैंने, पहला क्या है, होल अमाउंट पे नहीं लगता, जितनी आप वैल्यू ऐड करते जाओगे उस पर टैक्स लगता जाएगा, इसलिए जीएसटी को क्या बोला जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है। कौन सा टैक्स है ये, डेस्टिनेशन, किस चीज पे, कंजम्पशन, काय पे लगता है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, किस चीज के ऊपर है, सप्लाई, सप्लाई कितने तरह से हो सकता है, दो, विद इन स्टेट और इंटर स्टेट। विद इन स्टेट को चेक करने के लिए क्या देखना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस, क्या मिलेगा आपको, आईटीसी, क्या मिलेगा, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनल बर्डन किसके ऊपर आएगा, अल्टीमेट कंज्यूमर, फाइनल बर्डन किसके ऊपर आएगा, अल्टीमेट कंज्यूमर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर। चलो आज का लास्ट टॉपिक, इसकी अभी थ्योरी समझाऊंगा, कल वहां पे इतना स्पेस खाली है तो वहां पे अपन एक प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन वो कल, उससे पहले आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ के आना है। अब देखो, ट्रीटमेंट अंडर अर्लियर लॉ एंड जीएसटी, तो पहले मैं क्या देख रहा हूं, ट्रीटमेंट अंडर अर्लियर लॉ, एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था, काय पे लगती थी वो, मैन्युफैक्चर, पढ़ा था अपन ने, फिर वैट इन अ स्टेट वेयर सेल हैज बीन इफेक्टेड, और अगर इंटर स्टेट सेल होता था तो क्या लगता था, सीएसटी, और सर्विस के ऊपर क्या लगता था, सर्विस टैक्स। कुछ नया मिला, जो अपन ने चार्ट देखे थे वही है। अब आगे देखो, बिजनेस वॉज एबल टू टेक आईटीसी, मतलब ध्यान देना, पहले भी क्या मिलता था, आईटीसी, आज भी क्या मिल रहा है, आईटीसी, कुछ तो फर्क है। अब पहले वाले आईटीसी में देखो, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट, आप क्या क्या पे करते थे, एक्साइज, तो एक्साइज काय पे लगता था, सर्विस टैक्स, वैट, सेल। हियर मैन्युफैक्चर कैन यूज आईटीसी ऑफ एक्साइज एंड सर्विस टैक्स टू पे ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एक्साइज एज वेल एज सर्विस। क्या मतलब हुआ, पहले मालूम क्या था, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स का क्रेडिट आपस में एडजस्ट हो जाता था। क्यों एडजस्ट हो जाता था, दोनों कौन लगाता था, सेंट्रल, ये इंटरप्रिटेशन चाहिए मेरे को, दोनों कौन लगाता था, सेंट्रल, बट दिस आईटीसी कैन नॉट बी यूज टू पे ऑफ वैट लाइबिलिटी। ये एडवांटेज था कि ड्रॉबैक, मतलब एक्साइज के क्रेडिट से आप क्या एडजस्ट नहीं कर सकते थे, वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स आपस में एडजस्ट हो जाते थे, लेकिन किससे नहीं हो पाते थे, वैट। रीजन भाई, वैट का पैसा किसके पास जाता था, स्टेट, और एक्साइज और सर्विस टैक्स का सेंट्रल, क्लियर। अब देखो, सिमिलरली क्रेडिट ऑफ वैट कैन बी यूज टू पे ऑफ वैट लाइबिलिटी एंड नॉट एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। तो एक ही प्रोडक्ट पे क्या हो जाता था, सिंगल टैक्स की मल्टीपल टैक्स, मल्टीपल टैक्स, और कौन सा इफेक्ट आ जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आ जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर था, आज भी फेडरल है, एक्साइज कौन लगा रहा था, सेंट्रल, पैसा भी किसके पास जा रहा था, सेंट्रल। तो सेंट्रल ने बोला हम सेंट्रल टू सेंट्रल एडजस्ट करेंगे, लेकिन किसके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, स्टेट। तो ये पुराने वाले स्ट्रक्चर का एडवांटेज था कि लिमिटेशन फैक्टर, तो इसकी वजह से क्या आ जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट आता था तो प्राइस बढ़ जाती थी। तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, जीएसटी, क्लियर। अब मुझे क्या देखना है, ट्रीटमेंट अंडर जीएसटी,
बिजनेस हैज टू पे ओनली जीएसटी, पढ़ लिया, सीजीएसटी और एसजीएसटी, कौन से सेल पे, इंट्रा, आईजीएसटी इंटर स्टेट, मतलब नो मल्टीपल टैक्सेस, मतलब मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन सेल सर्विस सब हट गया, आप सिर्फ एक ही वर्ड क्या है, सप्लाई, क्लियर। अब देखो अंडर जीएसटी मैन्युफैक्चरर ट्रेडर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑल आर एलिजिबल टू टेक बेनिफिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनपुट कैपिटल गुड एंड इनपुट सर्विस। आज की डेट में कौन कौन क्रेडिट ले सकता है, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। आप मुझे किस कैटेगरी में रखोगे, सर्विस प्रोवाइडर। मैं क्रेडिट काय काय का ले सकता हूं, इनपुट नोट्स पे और कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज, वो सब बताऊंगा मैं कल। ट्रेडर कैन टेक बेनिफिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज टू पे ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। ये एडवांटेज काय में नहीं था, ओल्ड स्ट्रक्चर में। सेल टैक्स का काय से नहीं होता था, सर्विस, और यहां पे क्या हो रहा है, सब, क्लियर। बस आज इतना ही, कितने पॉइंट्स हो गए, आज दो पॉइंट्स हो गए, ये दोनों आप रीड करके आओ। कल हाफ एन आवर अपन एक प्रैक्टिकल देखेंगे, उसके बाद थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। दो से तीन क्लास लगेंगे चैप्टर वन कंप्लीट होने में, आप उसका मत लेना कि इतना टाइम लग गया। जितना आप फर्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट स्ट्रांग करोगे उतना आपको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। बस आज इतना ही।